एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड इफ यू आर न्यू टू माय चैनल माय नेम इज सौम्या सिंह। तो आज करेंगे हम फुल फेस ऑफ यूरोप गर्ल। मैंने सारे प्रोडक्ट जो है वो यूरोप गर्ल के ही यूज किए हैं एंड इसमें मैंने फाउंडेशन, कंसीलर, लैशेस, हर चीज यूरोप गर्ल की यूज करी है। एंड जो आगे का ट्यूटोरियल होगा इट्स लाइक ट्राई ऑन हॉल, वो वॉइस ओवर होगा। मैं उसमें आपको एक एक डिटेल प्रोडक्ट की दे दूंगी, या मैं आपको नहीं बता सकूंगी कि लाइक ब्लेंड कैसे करना है कुछ भी, वो आप चीजों का ध्यान रखिएगा। बिकॉज या तो मैं प्रोडक्ट के बारे में बोल सकती हूँ या मैं ये बता सकती हूँ कि इस लुक को कैसे अचीव करना है। तो इट्स ऑल अबाउट प्रोडक्ट्स के बारे में बताऊंगी एंड आपको थोड़ा थोड़ा लुक के बारे में भी बताती रहूंगी। सो या एंड आई होप यू लाइक इट गाइज। इफ यू लाइक इट प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। एंड या एंड इस आई शेडो पैलेट का जो रिव्यू मैंने किया हुआ है ऑलरेडी, तो आप वहां जाके देख सकते हैं, और प्रोडक्ट्स का मिनी रिव्यू मैं आपको अब दे दूंगी। सो या एंड बस आपको एक चीज बता दूं कि ये जो भी जितने भी प्रोडक्ट हैं वो इस ब्लैक कलर की कार्डबोर्ड पैकेजिंग में आते हैं। सारे ही प्रोडक्ट मेरे पास, सबकी पैकेजिंग नहीं है, तो मैं आपको ऑलरेडी दिखाना चाहती हूँ इस तरीके की पैकेजिंग में आते हैं इनका, जो लाइक ईजी करके ये बना हुआ होता है। एंड यहाँ पे आपको इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए होते हैं, यहाँ पे आपको प्राइस वगैरह लिखे हुए होते हैं। सो या जैसे ये हाइलाइटर 550 रुपीज का, इस पे ये मेंशन है। तो इनकी पैकेजिंग कुछ इस तरीके की आती है एंड और सारी बातें हम करते हैं अब आगे। एंड या इंजॉय दिस ट्यूटोरियल एंड रिव्यू। या मैंने यहाँ पे फेस को प्राइम करने के लिए लिया इनका सेटिंग स्प्रे, 450 रुपीस का, 60 ml प्रोडक्ट है, अल्कोहल फ्री है, सिलिकॉन फ्री है एंड ऑयल फ्री है। तो ये काफ़ी अच्छा है ऑयली एंड ड्राई स्किन दोनों के लिए। ये काफ़ी सटल ग्रो देता है, इसमें कोई चंकी पार्टिकल्स नहीं है, ये आपके स्किन को प्रॉपर मैट नहीं करता है, हल्का सा हाइड्रेटेड लुक देता है, तो ये काफ़ी सही है। और हाँ, अगर मैं कहूँ तो मैं इसे रिकमेंड करूँगी, आप खरीद सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं फॉर अ डेली बेसिस। आई एम नॉट सेड दैट कि आप इसे ब्राइडल वगैरह पे यूज़ करो, बिकॉज मुझे नहीं लगता इतना ज़्यादा अच्छा इफेक्ट दे पाएगा। आप अप्लाई करेंगे फाउंडेशन, ये फाउंडेशन है मैट फाउंडेशन, इनका 650 रुपीज़ का है, 30 ml ऑफ प्रोडक्ट है, जो बेसिकली हर फाउंडेशन देता है। एंड देन प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग मुझे फॉर्मूला काफ़ी अच्छा लगा। मेरी शेड है 160 हनी, ज़्यादा बात नहीं करते हैं क्योंकि मैंने लिख दी है और सब बातें जो इंपॉर्टेंट हैं पंप के साथ आता है। एंड आई रियली लाइक दिस फॉर्मूला बिकॉज क्यों, ये इतना मैट फाउंडेशन नहीं है कि लाइक आपकी स्किन को बिल्कुल मैटिफाई कर दे। कवरेज काफ़ी अच्छी है, मीडियम टू हाई है, और आप इसे काफ़ी अच्छे से बिल्ड कर सकते हैं, केक नहीं करता फेस को। एंड जैसे ही मैं इसे ब्लेंड करूंगी आप देखोगे ये रेडनेस और जो पिगमेंटेशन है, हाँ हल्का सा ग्रे टिंट देता है, बिकॉज क्यों, मैं कोई भी लाइक आपने देखा है मैं कोई कलर करेक्टर यूज नहीं करती हूँ इस वजह से, बट या काफ़ी अच्छा फाउंडेशन है, आई रियली लाइक इट एंड आई रिकमेंड टू। तो अब अप्लाई करेंगे कंसीलर, तो कंसीलर जो है इनका वो 350 रुपीस का है, ये वाला कंसीलर, ये ड्यूई कंसीलर है एंड ये ड्राई स्किन के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा है। एंड अगर मैं आपसे रियली कहूँ, अगर मैं कहूँ ये ड्यूई स्किन के लिए है और काफ़ी लाइट है तो ये काफ़ी अच्छा है, अगर आपको ज़्यादा कंसीलर से कवरेज की उम्मीद नहीं है तो। एंड आई रियली लाइक दिस कंसीलर, आई ट्रूली लाइक दिस कंसीलर, मुझे काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी क्रीमी फॉर्मूला है एंड बहुत ज़्यादा एक ड्यूईनेस देता है आपके फेस को एंड अच्छी कवरेज भी देता है, ये नहीं कह सकते अच्छी कवरेज नहीं देता है। एंड आपको इसमें 6 शेड्स मिल जाएंगी, तो पॉसिबली मुझे लगता है आपको आपकी शेड मिल ही जाएगी। एंड इफ़ आई रेकमेंड दिस, या आई रेकमेंड दिस, अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो आप ज़रूर ट्राई करें। मैंने कर लिया कंसीलर ब्रांड, तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा ब्राइटनिंग, बड़ा सॉफ्ट सा इफेक्ट दे रहा है एंड रियली लाइक इट, आई ट्रूली लाइक इट। लाइक माय फेस, कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, आप बताइएगा। एंड देन हम अप्लाई करेंगे कॉन्टोर, तो कॉन्टोर के लिए लिया है मैंने यहाँ पे ये मास्टर कॉन्टोर पैलेट एंड ये पैलेट जो है 1300 रुपीस का है, इसमें आपको 6 शेड मिल जाएंगी। एंड इसका जो लाइक फॉर्मूला है वो काफ़ी अच्छा है, 50 ग्राम ऑफ प्रोडक्ट है और इसके कुछ स्वाचेज इस तरीके के हैं एंड काफ़ी डार्क टू मीडियम टोन मिल जाएंगी। एंड आई ट्रूली लाइक इट, काफ़ी अच्छा क्रीमी फॉर्मूला है, बट इसका जो पाउडर है येलो
येलो पाउडर, इट्स मेक माय बेस डिस्कस्टिंग। इतना ज़्यादा मतलब है कि सिट कर जाता है ना आपकी स्किन पे, बिल्कुल अच्छा लुक नहीं देता। सो आई रियली डोंट लाइक इट। सिर्फ आप इसे एज अ कंटूर जो इसकी शेड है वो यूज़ कर सकते हैं, और इस येलो टोन को ब्लेंड के लिए यूज़ कर सकते हैं। और किक ऑफ आपने देख ही लिया कितना है। या मैंने काफ़ी आपको जूम करके दिखाया है किस तरीके से आपकी जो फाइन लाइंस हैं और जो आपके फेस पे लिटिल बिट लाइंस हैं उन्हें किस तरीके से इन्हेंस कर देता है। सो आई रियली डोंट रिकमेंड दिस। एंड अगर हम बात करें सीरियसली कहूँ तो, अगर आपको कोई ब्रोंजर कंटूर लेना है तो आप सिंगल लें, पैलेट में इन्वेस्ट करना बेकार ही होता है, बिकॉज यू आप इतना यूज़ नहीं कर पाते हैं। और मैं इसे एज अ ब्रोंजर भी जैसे यूज़ कर रही हूँ तो ब्रोंजर के लिए काफ़ी अच्छा था, बट इतना ज़्यादा अच्छा फॉर्मूला नहीं है ये। मेरे अकॉर्डिंग ये और अच्छा हो सकता है बिकॉज कि अगर मेरा बेस्ट फॉर्मूला मैं आपको ब्रोंजर में बताऊं तो वो है वेट एंड वाइल्ड की कॉन्टोर किट, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा, कैरमल ट्रॉफी बहुत ही ज़्यादा अच्छा इफेक्ट देती है। तो अगर मैं इसे उससे भी कंपेयर करूँ तो ये फॉर्मूला मुझे इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा ट्रूली, तो मैं इसे ज़्यादा आपको रिकमेंड नहीं करूँगी। तो पहले मैं यूज़ करूँगी इनका सेटिंग स्प्रे, जिससे जो भी मैंने पाउडर्स लगाए हैं वो मेरी स्किन पे अच्छे से मेल्ट हो जाएं। देन मैं लूँगी यहाँ पे इनकी ब्लश किट जो 1200 रुपीज़ की है, तो बेसिकली 200 रुपीज़ का पर ब्लश आपको पड़ता है। बट अगर आप सिंगल लेंगे तो मेरे अकॉर्डिंग इनका 450 रुपीज़ का ब्लश है यही वाला, बट अगर आप इस तरीके की किट लेते हैं तो ये पड़ता है आपको 1200 रुपीज़ की किट। तो सबसे पहले अप्लाई करते हैं, ब्लश टेक्निक की बात करते हैं। तो ब्लश टेक्निक आप किस तरीके से यूज़ करें, आप हमेशा ब्लशेस को अपने चीक्स पे, चिन पे, जहाँ पे भी आप लगाना चाहते हैं पैट करें देन ब्लेंड करें। ब्रश से यूज़ कर रहे हो या फिर ब्यूटी ब्लेंडर से, पैट करें एंड ब्लेंड करें। और कमेंट करके बताएं अगर आपने ये ब्लश टेक्निक यूज़ करी है या फिर आप अप्लाई करते हैं मेरे कहने के बाद में, तो आपको ये कैसी लगी। देन बात करते हैं इसके फॉर्मूले की। सेट एंड मैट फॉर्मूला है एंड काफ़ी अच्छा फॉर्मूला है, अच्छे से आपकी स्किन पे लग जाता है, 2 से 3 आवर स्टे करता है, जो मैंने पर्सनली फील कराया। और ये जो भी एक्सपीरियंस है मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने अभी तक कोई भी वीडियो नहीं देखी है फुल फेस ऑफ यूरोप गर्ल, तो या मैंने अभी तक नहीं देखा, तो दैट्स वाई ये सिर्फ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो मुझे फील होगा मैं वही बताऊंगी। तो ब्लश अप्लाई तो मैं नॉर्मली जैसा करती हूँ वैसा ही किया है, एंड फॉर्मूला आई रियली लाइक इट, स्टे अच्छे से कर जाता है, किट वर्थ बाइंग है, और आई रियली लाइक दिस किट। और जो स्वाचेस हैं वो आपको मेरे हैंड्स पे दिख जाएंगे। वी टॉक अबाउट हाईलाइटर, तो मैंने लिया है ये वाला हाईलाइटर इनका, एंड ये 550 रुपीज़ का है, एंड इसमें मैंने शेड लिया सनलाइट, एंड आई रियली लाइक दिस। ये बिल्कुल मेकअप रेवोल्यूशन रिलोडेड ब्लश रिलोडेड हाईलाइटर है, उनका जो बिग पैन आता है बिल्कुल उसकी तरह है। आई रियली लाइक दिस हाईलाइटर, एंड आई हाईली रिकमेंड दिस। हल्का सा पाउडरी है बट इट्स गिव यू अ वेरी ब्लाइंडिंग इफेक्ट, लाइक ब्लाइंडिंग इफेक्ट, एंड काफ़ी अच्छा फॉर्मूला है, 6 शेड्स में अवेलेबल है। सो अगर आप चाहते हैं बाय करना तो आप डेफिनेटली बाय कर सकते हैं। तो स्वच्छ देख सकते हैं किस तरीके का दिखता है, वेरी स्टनिंग हाईलाइटर। राइट, आईब्राउज के लिए मैंने यहाँ पे लिया है यूरोप गर्ल का 3D स्कर्प आईब्रो पैलेट, ये 400 रुपीज का है, एंड आई रियली लाइक द फॉर्मूला, काफ़ी अच्छा है, पिगमेंटेड है, एज अ फुल आई पैलेट आप इसे यूज कर सकते हैं, इस मच लाइनर के लिए यूज कर सकते हैं, आईब्रो फिल करने के लिए यूज कर सकते हैं, एंड अपनी आईलिड कॉन्टोर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली मैं आईब्रो अपनी ऐसे फिल करती हूँ, नीचे एक लाइन ड्रॉ करती हूँ हेयरलाइन के बराबर में, एक ऊपर, एंड बीच में लाइट पाउडर से फिल कर देती हूँ। कभी भी ब्लैक कलर यूज़ ना करें आईब्रो फिल करने के लिए, वो बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक हो जाती हैं, तो नेचुरल के लिए डार्क ब्राउन कलर यूज़ करें। अगर बात करें फॉर्मूले की, मुझे बहुत अच्छा लगा, आई हाईली रेकमेंड दिस, एंड आप इसे ट्राई कर सकते हो। साथ जो ब्रश आता है वो आपको फेंकने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी यूजफुल ब्रश है, एंड एक तरफ स्पूली आती है एक तरफ ब्रश आता है, एंड ब्रश की क्वालिटी भी अच्छी है। अब चलते हैं आईज की तरफ। तो मैंने लिया है इनका वही पैलेट जिसका रिव्यू मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे कर चुकी हूँ, तो आप जाके देख सकते हैं इनका कलरफुल पैलेट, जो कि इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। और आप देख सकते हैं कि मैं कितनी रगड़ रगड़ के शिमर शेड लेती हूँ। शिमर शेड ऑल दो जब इनकी प्लास्टिक की मतलब ऊपर कोटिंग निकल गई तब काफ़ी क्रीमी लगे, तब जाके मैंने इन्हें यूज़ करा, क्योंकि मैंने इन्हें एक दिन स्क्रैच किया बैठ के। सबसे पहले लिया है मैंने ब्लू शेड, जो मैंने अपनी लिड्स पे अप्लाई किया है,
एंड देन उसके ऊपर मिडिल लिड में मैंने यूज़ किया लिटिल बिट ऑफ ग्रीन कलर जो इसमें है, ग्रीन शिमर। देन मैं उसे ब्लेंड कर रही हूँ ब्लू कलर के एक मैट आई शेडो से, एंड उसे ही मैं अपनी लोअर लैश लाइन पे भी अच्छे से लगाऊंगी। देन इसमें जो सिल्वर कलर है वो मैं सिर्फ अपनी आउटर जो मेरी इनर लिड है, इनर लिड से मिडिल लिड की तरफ को हल्का सा पैट कर दूंगी, सिर्फ एक अच्छा सा लाइक स्पार्कली इफेक्ट के लिए। इस पैलेट का फर्स्ट इम्प्रेशन मेरे चैनल पे ऑलरेडी है, आप देख सकते हैं। काफ़ी लोगों को वो पसंद नहीं आया, बट वो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, बिकॉज क्यों, मैं ऐसी ही हूँ, जैसी मेरी पर्सनालिटी है वैसी ही शो होगी। मैं फ्रस्ट्रेटेड हो गई तो मैं फ्रस्ट्रेटेड हो गई, क्या करूँ, कुछ नहीं कर सकती। अब यूज़ करेंगे लाइनर। तो ये 300 रुपीज़ का लाइनर है, वाटर प्रूफ है, लॉन्ग लास्टिंग है, एंड ये क्रैक नहीं होता है आपके लगाने के बाद में। सो मैं अगर इसका पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, मुझे ये लाइनर अच्छा इसलिए लगा क्योंकि जो इसकी टिप है वो फेल्ट टिप है, लाइक जो एकदम टाइट वाली होती हैं, तो मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं, उससे वर्क करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है मेरे लिए। तो बस मैंने लाइनर अप्लाई कर लिया, बट आई ट्रूली डोंट रिकमेंड माई टू यू। अब अप्लाई करेंगे इनके फॉल्स लैशेस। तो ये यहाँ पे एक सेट में 3 पेयर ऑफ लैशेस आते हैं। इनका ग्लू मैं हाईली रेकमेंड करूंगी, आई लव द ग्लू। और लैशेस जो है वो बिट ऑफ द प्लास्टिक ही हैं, सो आई एम नॉट रेकमेंड दैट मच। अप्लाई करूंगी लिपस्टिक। तो लिपस्टिक है इनकी 350 रुपीज की, 19 शेड्स में अवेलेबल है। एंड आई से वन थिंग, इनकी जो लिपस्टिक है ये बहुत ज्यादा अच्छी है। इनका एक फॉर्मूला जो मैं कहना चाहती हूँ या मैं आपसे कह सकती हूँ कि बहुत ज़्यादा अच्छा है, नो डाउट खरीद सकते हैं, वो है इनकी लिपस्टिक। लिपस्टिक और हाइलाइटर मुझे दोनों ही बहुत ज़्यादा अच्छे लगे हैं अब तक। बस मेरे लिए दो चीज़ इनकी विन रही हैं, लिपस्टिक विन इसलिए रही, क्रीमी मैट फॉर्मूला है, बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है, 350 रुपीज़ का है, 4 ml ऑफ अ प्रोडक्ट है, एंड शेड काफ़ी अच्छी है, न्यूड पिंक की स्टोन भी मिल जाएंगी। एंड मैं फ्यूचर में अगर कोई चीज़ रीबाय करूंगी वो है इनकी लिपस्टिक। तो ये लिपस्टिक वर्क करना बड़ा मुश्किल था, तो मैंने क्या किया, पहले ब्राउन कलर से लिप लाइन कर लिया, देन पैटिंग मोशन में इस लिपस्टिक को अपने लिप्स पे अप्लाई कर दिया। क्वालिटी वाइज, क्वांटिटी वाइज एंड कलर वाइज आई रियली लव दिस लिपस्टिक एंड लिपस्टिक क्वालिटी। मैं रीपर्चेज करूंगी एंड दिस इज माय फाइनल लुक यू गाइस। आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक इट प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। एंड जो भी कमियां आपको लगी या कुछ भी चीज आपको लगता है मैंने नहीं बताई है, कमेंट डाउन बिलो, मैं आपको और चीजें बता दूंगी। एंड आपको किसी और चीज का रिव्यू चाहिए प्लीज वो भी कमेंट करके बताएं। एंड या दिस इज माय फाइनल लुक एंड माय ऑनेस्ट ओपिनियन ऑन द होल रेंज ऑफ यूरोप गर्ल, एंड आई होप यू लाइक इट। बाय, टेक केयर।